भाजपा की ओर से मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए नामांकन भरा गया। इसके लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मेयर पद के लिए सरबजीत कौर ढिल्लो और सीनियर डिप्टी मेयर के लिए दिलीप शर्मा और डिप्टी मेयर के लिए अनूप गुप्ता ने नामांकन भरा। हालांकि भाजपा की ओर से बिल्कुल अंतिम समय में ही नामांकन भरा गया। इससे पहले उन्होंने अपने उम्मीदवारों का नाम अंतिम समय में फाइनल किया गया। नामांकन भरने के बाद भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने कहा है कि भाजपा के तीनों पदों पर अपने उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी मैदान छोड़कर भाग जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र में मोदी सरकार और चंडीगढ़ में भी भाजपा सरकार होने से यहां विकास की गति बढ़ेगी और यही सोचकर उनके पक्ष में मतदान होगा और वह जरूर जीत दर्ज करेंगे। वहीं भाजपा की ओर से मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवारों ने भी अपनी जीत का दावा किया और कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह शहर का विकास करेंगे। आजो कट्ठे आजो सारे। सुखा पर कहंदे कि आम आदमी पार्टी सुखा सुखरी है, कहंदे थोड़े क्रॉस वोटिंग होगी ते असी जितांगे, असी फिर बनावांगे। ऐसा है जी कि आम आदमी पार्टी नू अधिकार है दिन दे विच सपने देखण दा। भारतीय जनता पार्टी ने 12 साढ़े एक प्लस साढ़े जिहड़े MP मैडम ने उन्हां दा एक्स ऑफिशियो वोट सी। दविंदर सिंह बबला जी ने पार्टी नू बेशर्त बिना शर्त ज्वाइन किया। अज असी अपने तीनों पदों के उत्ते अपने उम्मीदवार दिते ने और मैं पूर्ण यकीन है कि जिहड़ी गल हुणे मेयर मैडम ने भी कही, सीनियर डिप्टी मेयर साहब ने भी कही कि भारतीय जनता पार्टी वो सारे 35 के 35 जनप्रतिनिधियों अपील करती है कि वो अपने जिहड़ा हैगा अंतरात्मा की आवाज़ से चंडीगढ़ के हित दे लई, चंडीगढ़ के विकास दे लई, चंडीगढ़ के विच एक स्थिरता दे लई और चंडीगढ़ के विच केंद्र सरकार ना अच्छी कोऑर्डिनेशन ये सब भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। सारे जनप्रतिनिधि जिहड़े ने वह भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करनगे, मैनूं पूर्ण विश्वास है। और 8 तरीक न मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर तीनों पदों पर भारतीय जनता पार्टी उभर के आएगी। अज असी जिहड़े उम्मीदवार दिते ने असी अज तीनों सगमेंटां दा प्रतिनिधित्व दिता है। साडे जिहड़े मेयर पद दे उम्मीदवार ने सरबजीत जी, ये मनी माजरा तो ने जिहड़ा शहर का एक पिंड रहा, एक कस्बा रहा, सैमी अर्बन एरिया। दिलीप शर्मा जी सारे सीनियर डिप्टी मेयर ने जिहड़े, वो साडे शहर दीआं जिन्नीआं वी कलोनियां ने उहनां दी नुमाइंदगी है। और अनूप गुप्ता जी जिहड़ा अर्बन एरिया शहर के सैक्टर ने उन्हां दी नुमाइंदगी। असी शहर के तीनों सैगमेंट्स नू रीप्रजेंटेशन दिती है, हर वर्ग नू रीप्रजेंटेशन दिती है और एक मिलिया जुलिया बड़ा बैलेंस जिहा एक पैनल असी दिता है। और तीनों ही साढ़े जिहड़े उम्मीदवार ने बड़े अनुभवी ने, बड़े नेक ईमानदार परिश्रमी ने और मैनू उम्मीद है कि चंडीगढ़ के हित दे विच सब पार्टियां दे लोग पार्टी लाइन तो उपर उठ के भारतीय जनता पार्टी दे उम्मीदवारां नूं समर्थन करनगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास जताया उस पर खरे उतरेंगे और शहर की बेहतरी के लिए जो जो भी हमारे लंबित कार्य रहे हैं पिछले उसमें दौरान तो सारे पूरे करेंगे। मैं भाजपा का धन्यवाद करता हूँ अपने अध्यक्ष जी का, सारे भाजपा नेतृत्व का कि उन्होंने मेरे को ये मौका दिया। मैं सबका धन्यवाद करता हूं जो कि भाजपा पार्टी का कि जिन्होंने मेरे को ये मौका दिया। आप पहली बार जीते थे, आपको उम्मीद थी कि आप डिप्टी मेयर के उम्मीदवार बनेंगे और इतना सहयोग आपको मिलेगा? नहीं, उम्मीद तो ये पार्टी जो देती है वो सोच समझ कर देती है, ना यहाँ मांगा जाता है ना यहाँ उम्मीद। और जिस तरह से आपको लग रहा है इलेक्शन है, गाँव में फंसे हुए 14-14 कैंडिडेट हैं दोनों तरफ से, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? ऐसा जी, हम पूरे आश्वस्त हैं कि हम जीतेंगे। हमारा अभी मेयर कैंडिडेट ने भी, अध्यक्ष ने भी अपील करी है कि शहर के विकास के लिए सेंटर से तालमेल के लिए हमारा MP है, सारे 35 के 35 काउंसलर अपने विवेक से अपने सूझबूझ से वोट दें। की मुद्दे रहेंगे तुहाडे वास्ते जे तुसीं मेयर इलेक्ट होंदे नूं? जो भी चंडीगढ़ के विकास लिए जो भी मुद्दा होएगा असी वो करांगे। बट तुहानू कॉन्फिडेंस है तुसी वोट जीतोगे क्योंकि 14-14 तुहाडे वोट बन रहे ने आम आदमी पार्टी दे भी 14 काउंसलर ने? सानू पूरा विश्वास है मेयर साडा ही बनेगा। बीजेपी शहर दे विकास लिए जो लोग समझणगे कि शहर दा विकास सेंटर च सरकार साडी है, ते जे चंडीगढ़ दे विकास लिए मैं यही अपील करूंगी कि वोट करन ते करनगे लोग। मैनूं विश्वास है कि मेयर चंडीगढ़ दा बीजेपी दा ही बनेगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।